काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, आवाज अगर मैं बंद करूँ ना बाइक तो चारों तरफ से अजीब सी आ रही है। वो ये कह रहे थे भैया यहाँ पे लेपर्ड और भालू वालू दिखना आम बात है। मेरा मन पता है व्लॉग करने का मन है यार रुक के, बट भाई हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मन कर रहा है कॉफी बना के पीने का यार, लेकिन मेरी फट रही है। कोई डाउट का सीन नहीं है कि इस रीजन में काफी ज्यादा लेपर्ड, सबसे ज्यादा खतरनाक बात बियर है। बहुत ज्यादा देर रुक नहीं सकता क्योंकि आवाजें ऐसी आ रही है, सच में हेलमेट भी उतारने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर से करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। अभी जस्ट सुबह उठाई हूँ। आज की मंजिल है बद्रीनाथ, वो यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास है, तो थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। और रास्ते में जो है ना वो डीप डेंस फॉरेस्ट है, इसी वजह से रात को मैं यहाँ पे रुक गया था। वो सामने केदार रेंजेस है जो आपको दिख रही है, पूरा केदार रेंज जितना भी आगे दिख रहा है। तो भाई नहाने वाने का काम तो सब निपट गया, अब फटाफट से शूज डालते हैं, पहनते हैं इनको और निकलते हैं क्योंकि 8:15 हो गए, बहुत लंबा जाना है भाई आज। बट एक छोटा सा इशू ये है गाइस कि मेरी ना बाइक में कल एक आवाज़ आ रही थी शाम को, अब वो नीचे जाके देखना पड़ेगा कैसा है, कुछ नॉर्मली हो, कुछ ऐसा ना हो कोई बड़ी प्रॉब्लम। सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है अभी, तो इसको रैप भी करना है। तो भाई सामान वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है, बस अब इसको नीचे लेके जाना है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे नीचे जाएगा क्योंकि मेरी टांगे ऐसे दबाने में भी दुख रही है बहुत ज़्यादा, और नीचे उतरने में तो हालत ख़राब हो रही है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ले जाएंगे भाई। कल ट्रैक किया है ना 40 किलोमीटर से ज़्यादा चले थे, टांगे थोड़ी सी भर गई हैं, हो जाएगा, लेट्स गो। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? हरीश। ठीक है हरीश भाई, थैंक्स। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो कीमत में, अच्छा कोजी प्रॉपर्टी है। चलो भाई निकलते हैं इधर से, होप अपनी एकदम फर्स्ट क्लास रेडी, लेट्स गो। बाय बाय करते हैं ऊखी मठ को और बढ़ते हैं आगे, जय गौ माता। अगले 70-80 किलोमीटर तक यहाँ कुछ नहीं है, घना जंगल है, एकदम डीप डेंस फॉरेस्ट। रात को इनफैक्ट मैं रुकी इसलिए गया था यहाँ पे, सबने बोल दिया था कि भाई ठीक नहीं है इधर से रात को जाना क्योंकि डीप फॉरेस्ट है, अभी देखना आप क्या होगा। छोटे मोटे गांव ऐसे आते रह रहे हैं बीच में, तो अब की बार कोई धमका सा कुछ होटल देख के ना करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि भाई बहुत तेज भूख लग रही है। भयंकर रास्ता है एकदम, काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, आवाज अगर मैं बंद करूँ ना बाइक तो चारों तरफ से अजीब सी आ रही है, बट एकदम मस्त फील आ रही है। अब थोड़ी देर बाद चोपटा आएगा, मैं सोच रहा हूँ चोपटा में रुक के ही कुछ नाश्ता करें सीधा, बट एकदम चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है। अच्छा किया भाई हम लोग रात को रुक गए उधर, क्योंकि रात के लिए ये रास्ता मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा भाई। वो जो टैक्सी वाले भैया थे वो कैमरे पे आए नहीं, क्योंकि वो बोले भैया हम आपको बता देंगे लेकिन हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें खुद ही होता है कि 7 बजे के बाद आप ट्रैवल नहीं करोगे इस रोड पे, और तो हम अपने रिस्क पे करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मत जाओ आप, और उन्होंने ठीक बताया। अब भाई मुझे समझ आ रहा है कि वो क्यों कह रहे थे कि रात को मत जाओ और यहीं पे रुक जाओ। वो ये कह रहे थे भैया यहाँ पे लेपर्ड और भालू वालू दिखना आम बात है रात के टाइम पे। ऑल्दो वो कह रहे थे कि ऐसे कोई हमला वो खुद अपना आइसोलेशन चाहते हैं, बट भाई जंगली जानवर का क्या पता। और जब उन्होंने कहा ना कि इस रोड पे लेपर्ड दिखना तो बहुत ही आम बात है, भाई उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जा रहा यार रात में। वो तो कहते हैं कि कई बार तो दिन में ही दिख जाते हैं, बहुत रेयरली बट दिख जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भाई मशहूर है, उत्तराखंड में जंगली जानवर काफी है। और ये जो चोपटा वाला रूट है ना, ये रूट बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से निकलता है, और तुंगनाथ महादेव का भी ट्रैक चोपटा से आता है जो कि 3-4 किलोमीटर का है। मेरा मन पता है व्लॉग करने का मन है यार रुक के, बट भाई हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं रुक के एक बार व्लॉग कर लूं। बहरहाल चोपटा यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर है, तो चोपटा चलते हैं फिर वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट करेंगे। कश्मीर के अपने भाई लोग मिले, क्या क्या नाम है भैया आपके? राजन शर्मा। अनमोल भाई, गौरव भाई, और आपका ऋषभ। थोड़ी देर इनसे बात करी, थोड़े बहुत पिक्स वगैरह लिए, पीछे रास्ता आपने देखा था कितना घना जंगल चल रहा है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। गाड़ी में कुछ हो गया क्या आपकी?
गर्म होगी गाड़ी। अरे इसमें हो जाती है यार, कोई नहीं रेस्ट कर लो। चलो भैया, ओके भैया बाय। अब वापस से लेकिन घना जंगल आएगा, एलिवेशन भी बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार बढ़ रहा है एलिवेशन। गाइस छोपटा में पहुँच गया, यहाँ पे भाई बुलडोजर चलाया भी मुझे लग रहा है, वन विभाग का बुलडोजर चलाया इन पे। ये सब भैया टूटा हुआ कैसे है? वन विभाग ने वैसे तोड़ दिया होगा कि इस एरिया में क्यों बनाया है? वार्निंग दी थी इनको, इन्होंने हटाई। इनार वार्निंग तो चलती आ रही है, एक साल भर से देते आ रहे हैं। इन्होंने हटाया नहीं, इन्होंने हटाया नहीं, एकदम अचानक आए, कल तोड़, कल ही तोड़ा है क्या? कल से तो स्टार्ट। तो ये कैसे बच गए वाले? ये अलग है साइड, ये तोड़ रखा है, बस पता नहीं रोक लिया होगा, जैसे सामान वामान रखा होगा ना, इन्होंने वार्निंग दे दी होगी, कांच वांच का रखा हुआ है। कल ही चला है बुलडोजर ये, वो थोड़ा ये होता होगा ना कि जंगली जानवरों का एरिया कब जाने वाले की वजह से ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं यहीं के प्रधान। अच्छा आई है तो शेयर करने। हाँ तो भाई पूरा वन विभाग का यहाँ पे बुलडोजर चला है। दरअसल क्या है, वन विभाग एक साल से जैसा मैंने पता किया तो वार्निंग दे रहे थे वो लोग कि हटाओ हटाओ, लोग हटा नहीं रहे थे, तो कल अचानक से आके काम 35 कर दिया भाई बुलडोजर से। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका धंधा चला गया। ओवरऑल जो वन विभाग की भाई जमीन है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो सब डिस्टर्ब तो होता है, वो चीज़ तो माननी पड़ेगी। चलते हैं, चलो हम आगे, छोपटा ऐसे कुछ ही देर रह गए। आई गेस दिस इज इट, छोपटा तो हम लोग पहुंच गए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है छोपटा, कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर। यहाँ से टुंगनाथ महादेव का भी अच्छा जाता है ना एक रास्ता। नाश्ता करते हैं सबसे पहले, चिक लाइट सा। तो भाई एक ज़बरदस्त व्यू दिखाऊं मैं आपको, जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी गाइज। भाई चोपटा में भयंकर वाली भीड़ हो रखी थी, तो भाई चोपटा को क्रॉस करके मैं सीधा आगे आ गया अब, लेकिन ये जो व्यू था भाई यहाँ रुके बिना रहा नहीं गया, जबरदस्त व्यू है भाई। यहाँ के कुछ शॉट्स लेते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। हर हर महादेव। भाई ऑसम जगह थी, एनर्जी भी आ गई हर हर महादेव का नारा लगा के। रूट तो बहुत प्यारा है भाई, मेहनत वसूल है, डर एंजाइटी सब वसूल है। रेस्टोरेंट से दिखाए कुछ, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो मिल जाएगा कुछ। मैगी वैगी नहीं खानी यार, एक बिल्कुल कम स्पाइसी सा एक तंदूरी पराठा बना दो। चलो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ एकदम सेट हो गया, अब निकलते हैं इधर से। बद्रीनाथ 150 किलोमीटर है और बीच में गोपेश्वर आएगा, तो मेरे ख्याल से गोपेश्वर पर एक छोटा मोटा ब्रेक लेंगे, उससे पहले अपने को रुकना है नहीं। भाई जबरदस्त रास्ता है ये, कैन यू इमेजिन अगर मैं रात को यहाँ पे आ जाता तो क्या हाल होता। मैं रुक गया तो ये अच्छा किया मैंने, एकदम बढ़िया डेंस फॉरेस्ट है। मन कर रहा है कॉफ़ी बना के पीने का यहाँ, लेकिन मेरी फट रही है क्योंकि अब काफ़ी देर से मुझे कोई दिखा नहीं है और चारों तरफ घना जंगल है। और ये बात 100% श्योर है, कोई डाउट का सीन नहीं है कि इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात बियर हैं। क्या जंगल है भाई चारों तरफ, मैंने सोचा लेकिन आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकता क्योंकि थोड़ी सी फट रही है खड़े होने में और आवाज़ें ऐसी आ रही हैं, जंगली जानवरों के वार्निंग से इस चारों तरफ है, अलग एक्सपीरियंस है गाइस, मज़ा आ रहा है पूरा। बट होप फुल सपोर्ट में भाई अपने, अभी जो मंडल रहता है वो 12-13 किलोमीटर है। सच में हेलमेट भी उतारने का मन नहीं कर रहा यहाँ पे उसमें रुकू गया थोड़ा सा रेस्ट लेके। चलो चलते हैं पेशवा 26 मंडल 13, ठीक है भाई। वार्निंग दी हुई है वाइल्ड एनिमल्स की, वैसे वार्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लोकल्स मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस रूट पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का खतरा है।
मंडल तो भाई मैं पहुंच गया ठीक जगह है। अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ इस वाले रूट से जा रहे हो तो डेफिनेटली एक बीच में हॉल्ट मार सकते हो, ये ऑलमोस्ट मिड में पड़ता है। हवा एक बार चेक करा लीजिए, मुझे लग रहा है थोड़ी कम है। भैया हवा चेक कर देना, थोड़ा थोड़ा बस हो गया भैया। कितनी है पहले चेक करना यार, चेक करूंगा भैया। बताओ 20 है, 20 मुझे लग रहा था हवा कम है कुछ, थोड़ा बहुत हो ही जाती है ना, 15-20 दिन से लगातार चल रही है। चेक करवाया था उज्जैन में मध्य प्रदेश, पंक्चर हुआ था तभी कराया था। मुझे लग रहा था कि मेरे टायर में जो है ना हवा थोड़ी सी कम हो गई है, चेक कराया और वही निकला, हवा पीछे 20 निकली आगे 25 निकली। मंडल भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो सकती है अगर आप रात को फंस रहे हो और केदारनाथ से बद्रीनाथ या इसके अपोजिट रूट कर रहे हो। 22 किलोमीटर के आसपास चमोली रहता है, यहाँ से निकलते हैं चमोली पहुँचते हैं। भैया बता रहे हैं आराम से बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे, कोई इशू होगा नहीं आज। पहुंच गया भाई केदारनाथ, अभी बाइक वगैरह पार्किंग का देख के 9 बजे तक मंदिर खुले होते हैं तो अभी दर्शन कर लेते हैं। चलो पहुंच गया अभी ये मार्केट में, मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा भाई कि मंदिर है कहाँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी मार्केट है और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ना उधर से भाई, आने के बाद इतनी भीड़ देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। चलो पहले मंदिर में पहुँचते हैं फिर देखते हैं। तो भाई पहुँच गया मैं मंदिर के बिल्कुल पास और मंदिर क्या औसम लग रहा है भाई, रात को अलग ही एक लुक है मंदिर का। चलो उधर की तरफ चलते हैं, वैसे बता रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन है तो आज नंबर आना मुश्किल है अपना, बट देखते हैं चल के दर्शन हो पाएंगे तो आज, हो पाएंगे तो आज कर लेंगे नहीं तो कल कर लेंगे। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं। बहुत सही टाइम पे भाई एंट्री हुई है, भीड़ एकदम कम है और दर्शन एकदम जबरदस्त हो गए। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई चेक प्रसाद मिलता है उसको लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ी बहुत देखो भीड़ तो यहाँ पे होती है बट जिस हिसाब से इस टाइम का टाइम है ना, जिस जो टाइम है उस हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्टि के साथ दर्शन हुए हैं। चलो हमारे दोनों धाम डन हो गए, जय जय बद्रीनाथ महाराज। तो गाइस टेंपल के बाहर अपनी फैमिली का एक सब्सक्राइबर मिले, क्या नाम है आपका? सोहम। सोहम भाई और आपका नाम क्या है सर? संजय। संजय तो मिलके बड़ा बढ़िया लगा तुमसे। अभी यहाँ से कहाँ जाओगे? अब यहाँ से हम जाएंगे, कल हमारी पूजा है, फिर ऋषिकेश में जाएंगे, रिवर राफ्टिंग का प्लान है। अच्छा अच्छा, बंजी जंपिंग वो सब करना है। चलो ऑल द बेस्ट और सर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सर के व्लॉग्स जरूर देखना, बहुत सही व्लॉग्स है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ दोनों धाम कंप्लीट सक्सेसफुली और फिलहाल अभी लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो कुछ खाते हैं जबरदस्त सा और उसके बाद होटल भी ढूंढना है, बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था। बड़ी रौनक लग रही है इतने दिन के बाद, होटल को देख के ही मुझे अपने दिल्ली की याद आ रही है। ऐसे वहीं मिलते हैं चटर पटर से होटल, दिल्ली वाले सही कह रहा हूँ ना।